अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे तेल कैसे डालते हैं पैन में ऐसे। कितने मामा? अस्सलामुअलैकुम साथियों, कोफ्ते असल में हमने चढ़ाए हुए हैं और साथ हम ये तड़के वाले चावल जो हैं ये बनाने लगे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐवान के दादी दादा आए हुए हैं तो उनके लिए हमने अलग से बिना मिर्चों के कोफ्ते चढ़ाए हैं और सोचा के साथ थोड़े से चावल भी बना लें। तो इसमें हमने ये एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। इस अनियन को हमने फ्रीज किया हुआ था, बच्चियों ने किसी वक्त बारबेक्यू के साथ काटा है, जिप लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़र में डाला हुआ था, तो वही हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो सबसे बेहतर कटे हुए अनियन को प्रिजर्व करने का जो तरीका है कि ज़ाया ना जाए, वो फ्रीज़र में डाल देना है। तो बस बहुत डाल दिया। इनका जो हाथ है ना ये तेल में, ये देख लें। तो ये 2 कप चावल, बेहतरीन बासमती राइस दावत नाम है इनका, और इनको हमने धो लिया। तो कप में हमने डालना है 3 कप पानी, 1, 2 और 3। भीगे हुए नहीं है ये, इन्हें डाला हमने राइस कुकर में, और ये गया 1 चम्मच सॉल्ट। तो इसको खूबसूरती से गुलाबी कर लेना है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती से ये गोल्डन हो गए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप फ्रोज़न ऑयल में डाल दें और चाहे आप फ्रेश डालें। तो तेल वाला चम्मच ही इसमें हमने डाला है। ये हो गया ज़ीरा, और आँच करते हैं बंद ताकि थोड़े से और हो जाए। हम डालते हैं, चलो जी, ये रहे हमारे तड़के वाले चावल। तो ये अब खामोशी से राइस कुकर जो है ये बैठ गया है, इसका मतलब के चावल जो है वो बिल्कुल तैयार है। खोल के देखते हैं, कैसे सेवइयों की तरह देखें चावल, नरम मज़ेदार। तो ये तो थी हमारी रेसिपी तड़के वाले चावलों की। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।